नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो देखिए, आयोग के द्वारा एक संवाद जारी किया गया है अपने साइट पे। तो ये संवाद क्या है, 6 सितंबर 2021 का ये जो संवाद है, इसमें क्या खास है, आज की इस वीडियो पे जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए, बगल में जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियोस डाला जाता है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 4.6, ये देखिए पुराना डाटा है, 4.6 के अराउंड यानी कि 4600 मेंबर्स यहाँ पे हो चुके हैं और आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज शाम को 8 बजे, सुबह 10 बजे हम यहाँ पे क्विजों का आयोजन कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे स्पेशल बैच चल रहा है 24 अक्टूबर को देखते हुए। करंट अफेयर हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं सभी लोगों को, जनवरी से लेके आपका अगस्त तक का हम आपके यहाँ पे करंट अफेयर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस बार आर्या पार उत्तराखंड का कनिष्ठ सहायक की जो आपकी परीक्षा है उसकी, ठीक है, तो पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के संवाद के बारे में, आज के संवाद में आखिर ऐसा क्या खास है, ठीक है। तो देखिए, संवाद में लेके चलता हूं मैं, यही निकला हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए और आप डेट देख सकते हैं 6 सितंबर 2021 की है। विषय है देखिए आपका वन आरक्षी पद कोड 102 पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में, यानी कि जो आपकी आपत्तियां मिली है उनका निस्तारण किस तरीके से किया गया आयोग के द्वारा। देखिए, सबसे पहले आयोग द्वारा उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा देहरादून में दिनांक 27 से 29 जुलाई 2021 तक तथा हल्द्वानी में दिनांक 3 से 4 अगस्त 2021 को डिजिटल तकनीकी व उपकरणों के माध्यम से कराई गई। सभी अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा की सराहना भी की गई तथा परीक्षण का परिणाम 23 अगस्त 2021 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया। यानी कि आज इसका रिजल्ट, जो आपका फिजिकल का रिजल्ट था, जो फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे, उनका 23 अगस्त को आयोग के द्वारा उनको क्वालिफाइंग लिस्ट जारी कर दी गई थी। इस परीक्षण में 3 अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिनके संक्षिप्त रूप निम्न तालिका है। सबसे देखिए, सबसे पहले विनोद कुमार, विनोद सिंह, पुत्र सिंह, मकर सिंह है, इनके द्वारा आपत्ति के वन आरक्षी पद की परीक्षा निर्धारित दौड़ में रेडियो चिप के पंजीकरण न होने वो परीक्षा अवधि में दौड़ के संबंध स्पष्ट सूचना नहीं बताए जाने के कारण शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के संबंध में शंका व्यक्त करना था इनका। दूसरा पंकज सिंह रावत, इनका भी क्या था, देखिए वन आरक्षी पद की परीक्षा में निर्धारित दौड़ अवधि से 30 सेकंड देरी से पूर्ण करने तथा दौड़ पूरी किए जाने की सामग्री कम होने के कारण सीसीटीवी फुटेज चेक हेतु अनुरोध किया गया है इनके द्वारा भी। श्री विनोद कुमार मिश्रा, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया, देखिए वन आरक्षी पद की परीक्षा में निर्धारित दौड़ को 17 लैप के आधार पर पूर्ण किए जाने तथा आयोग द्वारा की गई गणना से ऐसा अहमत तथा दौड़ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बताने हेतु अनुरोध किया गया था इनके द्वारा भी। सॉरी, सबसे पहले देखिए अनुक्रमांक संख्या 1 के अभ्यर्थी तो इनका परिणाम के अनुरूप अर्ण घोषित है, अतः इनके संबंध में कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे में देखिए, श्री पंकज सिंह का कहना है कि 17 लैप संभवतः समय से पूरे हुए हैं, जबकि उन्हें 30 सेकंड अर्थात 4 घंटे 30 सेकंड समय दिखाकर अनर्ण बताया गया है। तीसरा अभ्यर्थी विनोद कुमार, इनके द्वारा देखिए 17 लैप पूरे कर दौड़ समय से पूरी की गई है, किंतु परिणाम 16 लैप ही दिखाए गए हैं। जारी परिणाम के अनुरूप इन्हें 3 घंटे 51 मिनट 14 सेकंड में 16 लैप पूरे किए गए हैं। क्रमांक 2 और 3 आपत्तियों के संबंध में यह स्पष्ट है कि आयोग द्वारा इस दौड़ को रेडियो फ्रिक्वेंसी, देखिए इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है तकनीक से आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें ट्रैक के 2 छोरों पर डिजिटल मैग्नेटिक मैट रखी गई थी, जिसमें फिट तकनीक से लैप चक्कर तथा समय की गणना सटीक व विश्वसनीयता से की जाती है। तो ये जो है इनके बारे में कहा गया है, अतः जारी परिणाम सर्वथा उचित पाया गया है। उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2 और 3 अभ्यर्थियों की आपत्ति बलहीन है, वो अस्वीकार की जाती है, यानी उनकी आपत्तियां जो लगाई गई हैं उनको कोई विचार नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा संक्षेप में शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपत्ति जो डाली गई थी उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सही लोग, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बतानी थी ताकि आप आने वाली जो भी भर्तियां हो, अगर आयोग उसमें चिप लगा के आपको दौड़ाता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो मैट बिछी होती है उस पर पांव रख के ही दौड़ना है। बहुत सारे लोगों की बहुत गलतियां रहती है। तो एक ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ये आगामी परीक्षाओं में जो आपके अलर्टनेस होगी उसके खातिर था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सही लोगों को हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी।
और मिलते हैं अभी शाम को 8 बजे आप सभी लोगों से। 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट लाइव होने वाला है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।